बनावा आपन पंचा की सरकार बढ़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार चौका चूल्हा छोड़ घर से निकले अबला नार पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छाव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले तो देखना ना भूले नीले गगन के तले उदयपुर न्यूज़ की की खास पेशकश आओ बेदला बेदला माता की जय बेदला माता जग प्रसिद्ध है यहाँ पर आने वाले हर इंसान की मनोकामना पूरी होती है लेकिन काफी कम लोग ही जानते होंगे कि बेदला एक रियासत भी रही है बेदला एक बहुत बड़ा ठिकाना भी रहा है अब चुनाव आ चुके हैं सत्रह जनवरी को चुनाव है और बेदला की क्या रणनीति है बेदला में सरपंच पंच के जो दावेदार हैं जो भी वार्ड पंच है वो क्या सोचते हैं और बेदला की जनता क्या सोचती है आज हम जानेंगे बेदला ग्राम पंचायत में बेदला में जाएंगे हर आदमी से बात करेंगे और सरपंच की हर उस उम्मीदवार से बात करेंगे जो अपने बारे में क्या सोचती है जो विकास के लिए क्या लेके आई और आने वाले समय में बेदला माता को और कितना विकसित करेंगे चलिए मेरे साथ आओ गांव चले की खास मुहिम के तहत देवी माता दर्शन के बाद हम पहुंच चुके हैं प्रचार करने वाले एक सरपंच उम्मीदवार के साथ में हैं हम अभी, अभी प्रचार चल रहा है इनका हम आपको बता दें प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं प्रताप सिंह राठौड़ काफी नामचीन भी हैं और बेदला में भी इनका वर्चस्व है जैसे ही इनका दावेदारी यहाँ से हुई तो एक बदलाव की लहर यहाँ पर देखी जा रही है हम उनसे जानेंगे सबसे पहले प्रताप जी से पूछना चाहूंगा बेदला के बारे में बताएं जिस तरह से बेदला माता प्रसिद्ध है रियासत के बारे में थोड़ा बताएं सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार गुजार हूँ कि बेदला की आवाज़ बनने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं एक मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ और लगातार लोगों को प्यार जो है वो पत्रकार साथियों को मेरे को मिलता है और यही वजह रही कि इस बार बेदला की जनता ने मुझे कहा है कि आपके घर से उम्मीदवारी करनी है अब मैं सोचता हूँ कि अब महिलाओं का समय जो है आ चुका है पचास परसेंट आरक्षण जो है पंचायती राज में है तो महिलाओं को जरो को से बाहर निकलना पड़ेगा मुझे मान लो शायद इसी सोच के साथ मैंने मेरी वाइफ को चुनाव के मैदान में उतारा है कड़ी टक्कर है यहाँ पर लेकिन मैं मानता हूँ कि विजयश्री हम फहराएँगे और रही बात यहाँ की प्राथमिकताओं की तो निश्चित रूप से मूलभूत आवश्यकताओं की कमी से यह गाँव जो है पिछले लंबे समय से जूझ रहा है चाहे सड़क की बात हो नालियाँ जो हैं वो खचाखच भरी हुई है इसके अलावा यू के टी के पेराफेरी में गांव आता है तो यू जितना डेवलपमेंट इधर कराना चाहिए उतना डेवलपमेंट इस इलाके में नहीं हुआ है तो एक प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ मीडिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ और लोगों के दर्द को मैं बखूबी समझता हूँ लोग आखिर आ, क, आ, लोग जो हैं इस पीड़ा से गुजरते हैं तो मैं उस उनकी पीड़ा से वाकिफ बो शायद तो ये एक ज़रूर है कि मैं बेदला गाँव क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ तो अब इस पीड़ा को मैं समझ चुका हूँ और यहाँ की पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने काम उठाया रही बात बेदला की तो बेदला एक वर्चस्वशाली गाँव जो है वो रहा हुआ है यहाँ के राजा चंद्रवान सिंह जी ने इसकी स्थापना की और वो राणा सांगा के साथ जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध को वो जो युद्ध लड़े थे और उसके बाद से ही बेदला एक मेवाड़ का एक वर्चस्व वाली ठिकाना जो है वो रहा हुआ है क्योंकि मेवाड़ में कहावत है आदिगाजी राज आदिगाजी बेदलो जब भी मेवाड़ के जो राजा थे वो जब भी किसी यात्रा पर जाते थे या फिर कहीं युद्ध में जाते थे या तमाम कहीं दूसरी जगह जब मेवाड़ के राजा जाते थे तो उस गादी पर कार्य संभालने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे बेदला रियासत के जो महाराज हुआ करते थे तो वो यहाँ पर रहते थे तो उसी समय से ये बात बिल्कुल सही है कि बेदला का अधी गद्दी पर राज जो है मेवाड़ में है तो हम ये चाहते हैं कि जो वर्चस्व राजा महाराजा के काल में बेदला का हुआ करता था तो उसी वर्चस्व को वापस हम अस्तित्व में लाना चाहते हैं जी अगर बात करें विकास की आपकी पैदाइशी यहीं से हैं बेदला ग्राम पंचायत बनने के बाद में किस तरह के जिस तरह से विकसित गाँव के गए कई विकसित इसमें इतनी सारी समस्याएं क्यों दिख रही है देखिए हम दूसरों की लाइन छोटी नहीं करेंगे हम हमारी लाइन को लंबा करने का प्रयास करेंगे और मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग मेरे ऊपर पूरी तरीके से समर्थन करेंगे मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे मैं उनके विश्वास पर पूरी तरीके से खरा उतरूंगा मेरी वाइफ यहाँ से चुनाव मैदान में और मेरी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मतदान अवश्य करें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायत की जो गाँव की जो सरकार है उसको चुनने के लिए मतदान अवश्य करें बेदला की मूलभूत आवश्यकताओं में एक महती आवश्यकता जो है वो शमशान की है शमशान के वहाँ पर कोजवे का निर्माण नहीं है माफ़ कीजिएगा शमशान यहाँ पर दो दो है लेकिन कोजवे जो है महाराजा के काल का जो शमशान बना हुआ है वहाँ पर एक का निर्माण नहीं होने की वजह से पाँच से छः किलोमीटर लोगों को पैदल शव यात्रा जो है वो निकालनी पड़ती है तो जब भी नदी में पानी आता है करीब सात से आठ महीने पानी भरा रहता है तो उसके बाद यहाँ पर जो मोक्ष धाम के लिए शव जब जाता है तो लोगों को काफ़ी परेशानी जो है वो यहाँ पर उठानी पड़ती है दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो अड़तालीस घंटे में एक बार होती है वो भी आधे घंटे के लिए अगर इस दौरान दुर्भाग्य से अगर बिजली बंद हो जाती है तो आदमी को पानी जो है वो नसीब नहीं होता है लोगों को महिलाओं को क्योंकि ग्रहणियाँ हैं मेरी वाइफ यहाँ से है ग्रहणी दर्द को बखूबी समझती है पानी वो किस तरह बढ़ती तो मेरा एक प्रयत्न रहेगा क्योंकि सिर्फ बेदला गांव में तो टंकी का निर्माण नहीं हो सकता है लेकिन बेदला के आसपास की आठ दस पंचायतें मिलकर हम ऐसा कोई स्थान तय करेंगे ताकि एक टंकी का निर्माण हो मैं सरकार से भी रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को लेकर इस तरह की बात जो है वो मेरी तरफ से भेजूँगा ताकि कम से कम एक टंकी का निर्माण अगर हो जाएगा तो अभी एक टंकी बनी हुई उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा तो नल जो है वो 48 घंटे की जगह 24 घंटे में आए और एक से डेढ़ घंटा और पूरे प्रेशर के साथ पानी जो है ऊपर चढ़ सके तो हमारा आ, यही कहना है चाहे शमसान की बात हो या फिर पानी की टंकी की बात हो तमाम मूलभूत आवश्यकताओं को हम ध्यान में रखकर इस चुनाव में उतरे हुए हैं दीपिका जी आप बताइए जिस तरह से आप वोट मांगने जा रही हैं क्या समस्याएँ सामने आ रही हैं ये मैं जैसे जैसे मैं घरों में जा रही हूँ वैसे वैसे सामने मुझे सड़कों की समस्या है और नालियों की समस्या है पानी की समस्या और रोड लाइटों की समस्या है ये सारी समस्या है जो मुझे लोग बता रहे हैं ये समस्या है तो अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इन सब का निवारण करूँगी और जो भी सरकार की जो भी योजनाएँ होती है जो लोगों तक नहीं पहुँचती है उनको पहुँचाने का प्रयास करूँगी और भी जो भी सरकार की जो भी योजनाएँ होगी उसका लोगों तक पहुँचाने का कार्य मैं करूँगी बिल्कुल सरकारी योजनाएं पहुँचाने का एक अपील के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे गाँव गाँव की जनता को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्रह जनवरी के दिन मतदान अवश्य करें बल्ला हमारा चुनाव चिन्ह है और मैं चाहता हूं कि बल्ले पर अगर आप वोट डालेंगे बल्ले को अगर आप समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से इस बेदला गांव की तकदीर और तस्वीर को संवारने का कार्य जो है वो हमारी ओर से किया जाएगा यदि दीपिका कुंवर राठौड़ और उनके पति जिन्होंने अपने जीत के दावे जिस तरह से बताया कि बिजली पानी सड़क की यहाँ मूलभूत जो कमी है वो पूरी करने का प्रयास करेगी सत्रह जनवरी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें क्योंकि सत्रह जनवरी को पता चलेगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है आगे चलेंगे गाँव की जनता से जानेंगे कुछ और उम्मीदवारों से बात करेंगे कि उनके क्या वादे हैं बेदला की सियासी गणित की अगर बात करें तो यहाँ पर एक नाम लंबे समय से चला आ रहा है जी हाँ बंशी लाल कुमार यहाँ पर सालों से राजनीति करते आए हैं और इनके परिवार से सरपंच भी रहे हैं करीब 25 साल तक पदों पर बंसी लाल कुमार रह चुके हैं उनके जो बेटे हैं वर्तमान सरपंच हैं नरेश प्रजापत हमारे साथ हैं हम उनसे बात करेंगे किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं आ, इस बार के चुनाव पहले से अलग है अभी महिलाओं का जमाना है महिलाओं की सीट आई है तो गांव से पांच-छह कैंडिडेट महिलाओं के रूप में गांव में सामने आए हैं और हमने हमारी जो पंचायत है उसने काफ़ी सारे विकास के कार्य कराए हैं अभी जी जिसमें प्रमुखता से हमने संस्कृति उद्यान का निर्माण कराया है जहाँ तक मेरा मानना है पूरे राजस्थान में बेदला ग्राम पंचायत एक ऐसी पंचायत है जिसने एक मैरिज गार्डन बनाया है और उसको हम न्यूनतम दर पर लगभग पैंतीस से चालीस हज़ार स्क्वायर फीट उसका एरिया है और मुख्य रोड पर है वो उसको मात्र हम ग्यारह हज़ार रुपये में गाँव के लोगों को दे रहे हैं जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर एक चाय वाला तक भी उसको ले सकता है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम ये सुविधा उनको उपलब्ध कराई है और हमारी ग्राम पंचायत ऐसी पंचायत है जो मात्र सी रोड तक सीमित नहीं रही है हमने पुराने जितने भी हमारे भवन हैं उनको हमने उनका रिनोवेशन कराया है उसके साथ ही हमने नदी हमारे जो बेदला नदी उसके पास में एक लंबे समय से मांगती है शमशान स्थल पास में हमने एक स्नानाघर का निर्माण कराया है और उस स्नानगर को आप कह सकते हैं डिलक्स स्नानाघर के रूप में बना एक आदर्श स्नानाघर के रूप में है हमारे गांव का जो मूल शमशान है छतरी वाला जो लोग विगत कह सकते हैं रियासतकालीन शमशान है, रियासत है। वहाँ भी हमने इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है वहाँ रंग रोगन जो टीन शेड बना है रंग रोगन का कार्य कराया है हमारा जो पुराना सामुदायिक भवन है इसको पूरा रिन्यूएट कराया है विधायक मत से हमने वहाँ पर एक डिलक्स कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण कराया है इसके साथ ही छोटा बेदला के अंदर हमने खेड़ा माता चौक है इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है हमने वहाँ पर और तमाम प्रकार के जो काम विकास के करा सकती है पंचायत तो सीसी रोड के उ कह सकते उच्च क्वालिटी की सीसी रोड का निर्माण कराया है गांव में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है पुराना अस्पताल से लेकर का पिपली चोल तक हमने इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है और हमारे पंचायत ने तमाम प्रकार के विकास कार्य जनता के सहयोग से और आज जो गाँव के मार्गदर्शक मंडल है हमने पुराने जो अनुभवी लोगों को प्रबुद्ध जनों को साथ में रखते हुए गांव में विकास के कार्य कराएं अभी हम यहां समता नगर क्षेत्र में हैं यहां भी हमने विकास के लिए हमारे जो क्षेत्रीय वार्डपंच हैं प्रगति सिंह जी शेखावत के साथ उनके साथ में मिल करके भाई साहब सीमान अशोक जी कोठारी साहब शर्मोहनलाल जी शर्मा साहब बीर सिंह जी राठौड़ साहब जितने भी यहाँ जिनके नाम में भी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि नाम लेना बहुत सारे जो हैं नीम के पत्थर है जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला है सब क्षेत्र के लोगों के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने बहुत यू से प्रयास किए हैं और यू के माध्यम से हमने यहाँ से लाइटें लगवाई हैं नाले बनवाए है। और पंचायत की तरफ से रेगुलर सफाई का कार्य करा है हमने यहाँ शिव मंदिर वहाँ इंटरलो शिव मंदिर के सामने जो सार्वजनिक चौक है वहाँ इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है हमने यहाँ पर रागी के बैठने के लिए बेंच का निर्माण करवाया है पंडगर का निर्माण करा है साफ़ सफ़ाई की व्यवस्था रेगुलर ग्राम पंचायत यहाँ करवाती रही है पास में भिक्षु नगर है वहाँ हमने रोडों का निर्माण करा है लाइटों का निर्माण लाइटें लगवाई है मानसरोवर के अंदर भी हमने यू के प्रयास से लाइटें लगवाई है और जो हमारा बेदला का पुराना स्कूल है जो बेदला रावला में संचालित हो रहा वहाँ हमने यू के पंचायत के प्रयास से और यू के सहयोग से चार कमरों का निर्माण कराया है बेदला जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पूरा जो स्कूल जर्जर हो रहा था ये स्थिति थी छत से पानी गिर रहा था वहाँ भी हमने पंचायत समिति के प्रयास से और पंचायत के पंचायत के बजट से उसमें हमने हमने स्कूल को पूरा रिनोवेट कराया है बेदला जो पुराना स्टेडियम दे सकते पूरे बेदला के अंदर बेदला के अंदर एक ही बड़ा बहुत बड़ा खेल मैदान है और मैं कह सकता हूँ पूरे उदयपुर में दूसरा है तीसरा नंबर का राधा भाई जीवाजी प्रजावाद स्टेडियम होगा जो कहना चाहिए कि मेरे पिताजी जो पूर्व में सरपंच रहे हैं उनके प्रयासों से और गांव के सहयोग से वो स्टेडियम बना है उसको भी हमने रिनोवेट कराया है बल्किनों के कहने के लिए विकास के बहुत सारे काम पिताजी के कार्यकाल में हुए हैं जो है बरसात के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम आती है काफ़ी लोगों से हमने बात की कि जब भी किसी की मौत हो जाती है तो फिर अंतिम यात्रा में काफ़ी परेशानी आती है उसके लिए क्या उसके लिए हमने पंचायत के रूप में काफ़ी प्रयास किया है और जहाँ हमारे जो जन जन्र, मासिक जनरल हाउस की बैठक होती है पंचायत समिति बड़गाँव में वहाँ मैंने हमेशा मुद्दा उठाया क्योंकि इतना बड़ा जो आबादी है क्षेत्र की और जब नदी आ जाती है तो शमशान के रूप में हमें पुराने शमशान में जाना पड़ता है तो नदी एक तो पुल हमने हमारे कार्यकाल में यू के माध्यम से बनाया लेकिन एक पुल की लंबे समय से मांग थी हमारे सांसद महोदय सी जोशी आ अपने एम एल ए साहब धर्मानंद जी जोशी इन सबसे हमने मांग की है कि आप यू के और आपके मद से इस, इसका निर्माण हो पुल का क्योंकि इसका अब कम से लगभग हमने जो इंजीनियर को बुलाया कम से कम तीस से पैंतीस लाख का इसका बजट है अब हमारा प्रमुख मांग ये रही, यही रहेगी कि हम इस पुल का आते ही हम पुल के लिए हम निर्माण कराएं पंचायत कचरा गीला कचरा की जो गाड़ी है वो बेदला में नहीं आती ये भी कुछ लोगों की शिकायत है आ, ये इसका है हमारे जो पूर्व में चेयरमैन रहे थे रविंद्र जी शिमाली उनसे हम मिले भी थे ये उन्होंने सुविधा जो यू की रूपांतरित कॉलोनी है वहाँ करवाई थी हमने ये कहा था कि आप इसको हमारे जो गांव की मूल आबादी है वहाँ भी इसको चालू कराएं वर्तमान में जो यू की जो कॉलोनी समतानगर नगर इसमें आ रही है जूली नगर में भी आ रही है हो सकता है अवस्था रही इसके लिए भी हमारे जो तत्कालीन सचिव साहब थे उनसे भी जी से भी मिले थे उनका हम प्रॉपर इसको करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा आने वाले जो पंचायत चुनाव है जो भी हमारे जो भी जो कैंडिडेट हैं हम उनके माध्यम से गांव के अंदर डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम प्राथमिकता से कराएंगे जिस तरह से नरेश जी ने बताया हम बात करेंगे कुछ और लोग हमारे साथ हैं जी किस तरह का सरपंच चाहते हैं आप सरपंच जो गाँव का विकास करे सबसे बढ़िया गाँव का विकास करे और सबसे गाँव पूरा विकास पर चले वो ऐसे ही सरपंच को हम चाहते हैं और इसी को हम... विकास की दृष्टि को किस तरह से देखते हैं के विकास चाहिए पंचायत में जैसे गांव में अपने एक तो साफ सफाई बढ़िया हो रोड अच्छी हो रोड रोड बिल्कुल साफ सुथरी हो लाइटें सब तरफ लगे लाइटें भी लगे अच्छी तरह से और ना सब साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था और सब रोड और बढ़िया पक्की रोड का पक्का निर्माण हो वैसे ही हम सरपंच आते हैं अभी जैसे अभी जैसे अभी क्या है कि थोड़े दिन पहले ये हमारे सरपंच महोदय ने ये हमारे जो पहले लाइटें थी उन लाइटों को हमने कौन सी लाइट लाइटें लाइटे लगवाई इधर वो पनगढ़ भी लगवाया तो यहाँ विकास विकास तो काम तो बहुत तो हुए हैं तो और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा विकास होगा और अच्छी अच्छा विकास होगा पहले के के नगर नगर में के संता नगर में नबी कितना अंतर है बहुत अंतर है पहले के अंतर में तो पहले तो जितनी लाइटें नहीं थी उतनी लाइटें लाइट स्वीपर आता है लाइटर लाइटर वाइटर जो लगी है वो बहुत अच्छी लगी है पनगट लगा है और इधर जो एक शिव मंदिर है उस शिव मंदिर को भी पक्का करवाया गया है निर्माण तो गया विकास तो बहुत हुआ आप बताइए किस तरह का सरपंच आप हैं? सरपंच जैसे कहते परिवर्तन परिवर्तन में खाली परिवर्तन से काम नहीं होता है परिवर्तन में क्या होता है जैसे एक लाइन किसी ने लगाई है तो दूसरी लाइन वो एक लाइन दूसरी लाइन अभी शुरू चल, चलती रहेगी विकास में और एक लाइन नया सीखेगा करेगा लाइन करेगा पाँच साल पूरे हो जाएंगे हम चाहते हैं कि जो लाइन चली है उसी को हम आगे बढ़ा एक से एक ग्यारह बनाना चाहते हैं उसी लाइन को और कुछ थोड़ी बहुत यहाँ कमियाँ रह गई है तो हमने सरपंच साहब को कहा कि, कि यहाँ जैसे आज दस लोग पंद्रह लोग खड़े हैं तो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है तो ये आगे के लिए इन्होंने रखा है प्रावधान के ये कम कराएंगे और वैसे विकास से संतुष्ट है हमारा हम ग्यारह वार्ड से हैं आम नागरिक है और खुश हैं हम इस चीज़ से आप बताइए किस तरह का सरपंच बिल्कुल आने हमारे जो सरपंच हों हमारे गाँव का विकास हो संपूर्ण विकास हो और सब तरह की सुविधाएं मिले जैसे नालियाँ साफ हो साफ़ सफाई हो कचरा निस्तारण हो इस तरह की सब सुविधाएं हमें मिलती रहें और बराबर काम निरंतर उन्नति करता रहे आप किस तरह का सरपंच होना चाहिए अगर विकास की दृष्टि से बात करें आप सालों से यहाँ पर रह रहे हैं सर रोड लाइट पानी की तो हर एक ने बात की है और वो तो हर कोई चाहता ही है वो सरपंच को पता ही होता ऑलरेडी लेकिन सबसे पहले सरपंच ऐसा होना चाहिए कि कम से कम जो भी उनके पास जाए उसका उससे उनसे कॉन्टैक्ट और मीटिंग होना कंपलसरी है और सरपंच अवेलेबल नहीं हो और कोई भी कैंडिडेट जा रहा है वो डिस्टर्ब होकर वापस आ जाता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नरेश जी ने इसको फुलफ़िल किया है और कोई भी आया है तो उसको हमेशा मीटिंग उनके साथ अटेंड की है और हर प्रॉब्लम को सुना है और उसको सॉर्ट आउट किया अभी हम चाहते हैं कि अगर महिला कैंडिडेट आ रही है तो वो आने वाले टाइम में ये जो काम तो चल ही रहे हैं लेकिन एजुकेशन लड़कियों की और हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल इनकी तरफ जो है विशेष ध्यान दे करके इस कार्यक्रम को आगे जारी रखें ये हमारी इनके साथ शुभकामनाएं किस तरह का सरपंच जी जी मैं यहाँ वार्ड ग्यारह से खड़ा हुआ हूँ अपने उप वार्ड पंच के लिए और सरपंच जैसे ही आ, बंसी लाल जी कुमार जैसे उन्हीं के चलता आ रहा है हमने विकास देखा है गांव में शुरू से अच्छा चलता आ रहा है और हम संतुष्ट हैं इन पाँच साल में काफ़ी नये सर बन जाते हैं उनको सीखने में दो साल लग जाते हैं फिर तीन साल वो काम करेंगे इससे अच्छा है जो काम करता है हम संतुष्ट है सब जने जो अच्छा काम करते हैं उसी को आगे बढ़ाएं और जो भी कमियां हैं हमारे कॉलोनी में कुछ ज़्यादा नहीं है जैसे अच्छा संतुष्ट है वैसे हम कुछ एक समस्या हैं लाइट रोड लाइट्स की होती है कचरे की था वो भी अब सब कुछ सॉल्व हो रहा है और अच्छा चल रहा है अभी आप बताइए किस तरह का चाहिए इस बार मुझे तो आज का सरपंच जैसे नरेश जी भाई साहब जैसे ही चाहिए क्योंकि मैं वार्ड पंच रही हूँ इस कॉलोनी की और इन्होंने गांव के विकास के लिए कॉलोनी के विकास के लिए बहुत कार्य किया है इसीलिए हम चाहते हैं कि इन्हीं के परिवार से इनके वाइफ खड़े हुए हैं तो हम सब उनका समर्थन करें ताकि आगे वो गाँव का जो अधूरा थोड़ा बहुत विकास रह गया वो भी पूरा हो और हमारे निर्मला जी हैं ये तो ये भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे उम्मीदवार हैं और अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और वो हर लोगों की सुनते भी हैं तो हमारी उम्मीद यही है कि ये इस फील्ड में आए और हमारा जो अधूरा काम है उसको पूरा करें और सबका सपोर्ट करें और इनका निशान बैलून है आप बताइए महिला हैं आप सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की आती है क्या कहना चाहेंगे पानी की मैं बेदला गांव से सरपंच पद पे खड़ी हुई हूँ मेरा चिन्ह बलून है आप सभी बड़े बुजुर्गों का सहयोग रहा और अगर मेरी विजेता प्राप्त करवाई सभी का समाधान मैं चाहती हूँ सभी का समाधान होवे और वो जो मेरे से उम्मीद रखती है उनके रखते हैं उनके सारे कार्य होवे और मैं उनके समर्थ वो मेरे समर्थन में तैयार है तो मैं उनके लिए जो उनकी आशा कि जीत के आती तो सारी समस्या आप बताइए किस तरह का सरपंच होना चाहिए और सीट देखो हमारी कसौटी पे तो पूरे खरे उतरते हैं नरेश जी जो मतलब हम आज तक कोई भी प्रॉब्लम लेके गए तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की उस पर और आगे भी वही चाहते हैं हम के इतना सपोर्टिव नेचर है उनका इतना वो करते हैं तो मतलब जो सबको सुनते हैं मतलब और तो आने वाले टाइम में भी हमको वही पाँच साल वापस चाहिए दोबारा इसीलिए हाँ जी सरपंच जैसा चाहिए जो हमारे गांव का विकास कर सके और ये पैंतीस सालों से इनकी मतलब परिवार से सरपंच रहे हैं और पूरा विकास कर रहे हैं और सबका सहयोग करते हैं कुछ भी काम होता है तो हमारे साथ चलते हैं सर हम पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे अभी तक तो अच्छा विकास हुआ है और हम चाहते हैं कि कार्य आगे पूरा हो तो उसके लिए निर्मला जी अगर आए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि हमें उनसे बहुत उम्मीद है और मुझे जहाँ तक उनका है कि वो उम्मीदों पर पूरे खड़े उतरेंगे मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक हूँ 20-25 साल से जान रही हूँ इन परिवार वालों ने अच्छा काम करा है जीत के और भविष्य में भी अच्छा करेंगे ये हमारी उम्मीद है और करेंगे करते आए हैं और करेंगे इसलिए हम इनके साथ हैं सरपंच ऐसा ही होना चाहिए जो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे और मुझे लगता है निर्मला जी से बेस्ट सरपंच हमारे लिए गांव के लिए कोई हो ही नहीं हो ही नहीं सकता हमारे लिए अच्छे सरपंच है इसीलिए हम इनके साथ में आप बताइए हमारे लिए अच्छा सरपंच है और अच्छा खड़े तो करना चाहिए बेदला की कुछ जनता चाहती है कि नरेश के बाद निर्मला नरेश जी से बात करेंगे जी आप अपील बताइए आपकी। आ, मैं समस्त बेदला के मतदाताओं से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने मुझ में विश्वास जताया है और मैं आपके विश्वास पे खरा उतरा हूँ जो हमने विकास की गंगा बहाई है उसको निरंतर रखते हुए मेरी धर्मपत्री श्रीमती निर्मला प्रजापत को आप बलून के मत पर आ, मत देकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनावें और विकास की इस गंगा को निरंतर चालू रखें सरपंच तो हमारे पहले तो कॉलोनी का जो विकास हो जाए बढ़िया सब आने जाने का रास्ता सही हो जाए सिक्योरिटी के हिसाब से भी हमारे चारदीवारी वगैरह बनाए एक सामुदायिक केंद्र की हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है तो हमारे यहाँ कॉलोनी वासियों के लिए एक बहुत बढ़िया सुविधा का हो जाए तो हमारे तो पहले भी बहुत हमारे बहुत कार्यकाल हमारे नरेश जी प्रजापत का बहुत बढ़िया रहा उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य कराए और भविष्य में भी अगर इसी तरह के सरपंच साहब हमारे को वापस मिल जाए तो हमारे कॉलोनी का उद्धार हो जाए जिस तरह से आपने सुना नरेश जी प्रजापत उनकी पत्नी और उनके समर्थकों का क्या कुछ कहना था हम आगे जाएंगे वार्डों में घूमेंगे गांव की जनता से मिलेंगे और जानेंगे कि वाकई में समस्या क्या है या फिर वर्तमान सरपंच से संतुष्ट है या फिर कुछ नाराजगी उनके बीच में है जी मैं निर्मला प्रजापत न... न... को क्या काम हुआ आपके यहाँ पहले बहुत काम हुआ पानी की छवि नी पा... पानी तरसता पोर पेलिया ये बहुत पानी किया अन वो बहुत हमेशा की दिन सब आनंद किया और अभी निर्मला प्रजापत को जिताएंगे और काम होंगे आगे आगे काम बहुत करेंगे करेंगे हां जीतेंगे तो सारे काम करेंगे ज्यादा काम, काम करेगा जीतेगा नहीं यहां पे यहां पे बाकी नहीं है वाह छाटा के चरक भी बाण टूट गई तो साफ करइए और और करावेगा नाया सब छपई लाइट सब फूल दे में लिए दूसरे और जने भी तो है चार पांच जने और है वे भी जीतेगा सब जीतेगा सब जीतेगा हाँ जी। बहुत जीतेगा मैं प्रियदर्शनी नगर कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ की भी व्यवस्था बहुत ही ख़राब है सारी सड़कें वगैरह सारी टूटी हुई है और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है नदी की नदी के वहाँ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह पड़ा ही रहता है साफ़ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है जैसा सरपंच चाहिए सरपंच का काम जो होना चाहिए वो उनको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए वो वो, वो नहीं जाओगे हाँ वोट डालने जरूर जाएंगे दीपिका कुंवर को जीताएंगे हम, हमें लगता है कि वो अपना कार्य अच्छी ईमानदारी से नहीं पाएंगे मेरा नाम हिमांशु साहू और पिछले पाँच साल में काम बराबरी हुए थोड़ा बहुत है जो बन रहा है, चल रहा है नहीं कुछ है चल नहीं नहीं रोडों की व्यवस्था खराब है रोडें वगैरह थोड़ी कटी हुई हैं खड्डे हो रहे हैं साइडों में कुछ डम्बर पड़ जाए तो अच्छी बात है ये धूल मिट्टी वगैरह बहुत उड़ता है थोड़ा माता जी तक का रास्ता भी खराब है डेली आते जाते हैं रविवार को तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे उसमें थोड़ी दिक्कत है अभी भी गिट्टी पड़ी हुई है धूल मिट्टी उड़ रही है तो ये काम कुछ ऐसे हैं जो रनिंग रोड है यहाँ का हमारा बाकी यहाँ पे अच्छा तो नहीं डेवलपमेंट अच्छा लाइटें वगैरह रोडों की अच्छी हो चुकी है पानी भी पूरा आता है लाइट भी पूरी है और गार्डन भी पंचायत ने अच्छा गार्डन बना दिया है ग्रामवासियों के लिए केवल ग्यारह हज़ार रुपये रेट रखा है हमारे सामने ही कम्युनिटी हॉल है पंचायत का उसमें भी कमरे वगैरह अच्छे बन गए हैं ट्यूबवेल वगैरह खुद चुका है अभी व्यवस्था तो अच्छी है कुल मिला के व्यवस्था उससे संतुष्ट है सर ये पाँच साल हमारे लिए बहुत अच्छे थे तो। तो तो कुछ कह नहीं सकते किसी मन का देखो काम कुल मिला के अच्छा हुआ है और पब्लिक की तो है हाँ काम अच्छा हो रहा है खाली एक रोडों का थोड़ा है नेटवर्क जो है थोड़ा अच्छा हो जाए डर वगैरह मेरा नाम कुंजल राठौड़ है मैं बेदला के निवासी हूँ बेदला में ससुराल है मेरा मुझे अभी ढाई साल हुए हैं शादी को ढाई तो साल में आपने कोई ऐसी बड़ी समस्या देखी क्या जो पूरी हो जानी चाहिए थी पाँच साल भी निकल गए पुराने वाले भी हाँ सफाई से लेकर है बेदला में जैसे और पानी की समस्या है अड़तालीस घंटे में एक बार पानी आता है और उसमें भी आधे घंटे के लिए पानी आता है और अगर बिजली बंद हो जाती है तो वो भी लोगों को फिर दिक्कत होती है इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये समस्या हमारे सरपंच पूरी करेंगे तो हम जिताना चाहते हैं उनको जिताना हम दीपिका कुमार राठौड़ के साथ हैं और हम चाहते हैं कि वही सरपंच बने ताकि हम बेदला का विकास कर पाए कमलेश प्रजापा क्या काम काम बाकी साल साल में साल में पिछले तो लगभग हो ही रहा है वैसे हम तो इस चीज में क्या इन्वॉल्व है नहीं हम तो क्या इस काम धंधे से ही रखते हैं जी। कैसे मेन फिर भी एक आम आदमी की अगर बात करें हम्म तो आपके यहाँ पे कई तरह के लोग आते होंगे क्या चर्चा होती है हम्म हम्म क्या लग रहा है किसकी सरकार कौन आ रहा है कौन जीत रहा है जीतने का तब क्या कह सकते हैं अपन इस बारे में दिन तो में यहां चर्चाएं होती होगी आप सुनते होंगे हम्म हम्म जो अभी जो ये सरपंच साहब हैं वो हमारे क्या है कजिन मतलब फैमिली में ही है कैसे वैसे काफी विकास किया है उन्होंने ऐसी बात नहीं है कैसा सरपंच चाहिए सरपंच जो गांव का विकास करे कुछ काम बाकी रह क्या साल ना? मतलब की बात कर पानी की बात कर सड़क का भी चल रहा है घर का भी जैसे बराबर लगभग मतलब जो जो भी उनके पास जाता है फरियाद लेके करते हैं काम पानी बराबर आ रहा, सब पानी बरोबर आ रहा है बिजली आती, बिजली बरोबर आती है बिल्कुल उम्मीद तो है <laughs> मेरा नाम केसुलाल जोशी क्या समस्या आती है समस्या मेन आती है पानी की समस्या है और नालियों की समस्या आती है मेन हर गली में मतलब कहीं के नाली बंद हो जाती है नाली के पास कचरा गिर जाता है तो मेन समस्या है कि एक नाली बराबर साफ हो और हर गली वार्ड में कचरा पात्र हो और नियमित साफ़ सफाई हो स्वच्छ भारत अभियान मतलब बना रहे ये सरपंच चाहिए? चाहिए जो मतलब गरीबों के हित के अंदर फैसला करे और जो मतलब सुविधा आए वो सुविधा को हर लोगों तक मतलब बताए जिनको जरूरत है वो सुविधा उससे प्रदान करें तो क्या पिछले पाँच साल में ऐसा कोई काम बाकी है नहीं काम तो जैसे सारे काम हो गए हैं हमारे यहाँ पूर्व सरपंच साहब इन्होंने भी काम अच्छे करवाए हैं और मेन हर गांव गाँव में यही समस्या आती है पानी और साफ सफाई की और नाली की और यही समस्या आती है तो पाँच साल तक वो रहे फिर भी समस्या नहीं, तो। नहीं कुछ कुछ गली में उनको पता नहीं पड़ता है कि, किस गा, बोलेंगे तो होगा तो ये ये समस्या का मतलब समाधान हो और इस प्रकार सरपंच साहब तो चाहिए अभी पाँच छह कैंडिडेट है हाँ कौन जीतेगा अब इसका तो कुछ कह नहीं सकते वैसे लेकिन फिर भी ऐसे सरपंच साहब चाहिए हाँ जनता का मतलब ऐसे ही सरपंच साहब चाहिए जो हमारा काम कर सके सरपंच तो जो जनता बनाएगी वो वैसा ही सरपंच जो हाँ मैं वोट डालूँगा जो गांव का विकास करे सारी समस्याएं दूर करे कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो उसको दूर करे वो वैसा। तो काम? बिल्कुल काम हुआ है सब संतुष्ट बिल्कुल संतुष्ट है बिल्कुल संतुष्ट है क्या काम कराने बाकी है देखो पंचायत के जो थ्रू जो काम हुए वो तो सारे हो चुके हैं अब जैसे यूआईटी का ये रोड आप देख रहे हो दूल्हो उड़ रहा है तो ये महीने भर से तो दूल्हा खा रहे हैं कोई ठीक करने वाला नहीं है इसको अब पंचायत के हाथ में होता तो पटाख से हो जाता है ये काम भी तो हजारों आते हैं सर मतलब इस तरह का परेशानी बिल्कुल ये महीना डेढ़ महीना हो गया इसको तो पूरा होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए था ये तो कब से हो जाना चाहिए था अब चुनाव आ रहे हैं वापस सत्रह तारीख को वोट डालना है बिल्कुल डालेंगे अब हम तो नरेश जी को जिताएंगे जो पुराने सरपंच साहब है उन्होंने सारा काम अभी अभी कोई भी काम आप देखो कोई भी वार्ड में जाके तो कोई काम बाकी नहीं है अभी सब तरफ सब, सब तरफ सारे काम हुए हैं आम आदमी की बात करें तो बिजली पानी सड़क बिल्कुल सब कंप्लीट है सब, सब कंप्लीट है कोई जरूरत तो यहाँ पे ऐसी बाकी नहीं रह गई है देखो छोटे मोटे काम तो देखो अपने घरों में भी होता है तो कभी रिपेयरिंग होती है तो होती है छोटे मोटे काम तो बाकी रहते ही है कहीं पर भी जाओ आप तो बाकी यूँ ऑल ओवर देखो तो आप पूरे काम हो चुके हैं सर मैं गणपत सोनी मेरा नाम है और मैं वार्ड नंबर ग्राम पंचायत बेदला से वार्ड नंबर पाँच से इलेक्शन के लिए उतरा हूँ मेरी इच्छा ये है ग्राम पंचायत बेदला के अंदर जो पंचायत के अंदर सरकारी योजनाएं आती है वो मेरे वार्ड के लोगों तक पहुँचे उनकी जानकारी मेरे वार्ड के लोगों को होना चाहिए और अपना ऐसा ये वो किया कि सारी काम होगा तो अपने ग्राम पंचायत वाले को सरपंच के पास अपनी वार्ड की जो समस्या होती है वो सरपंच के पास पहुँचाएंगे ये पंच की जिम्मेदारी होती है जो सरकारी योजनाएं आती है बाढ़ में बाढ़ के लोगों तो नहीं पहुँचती है क्या आपका चुनाव चिन्ह क्या है मेरा चुनाव चिन्ह ट्रक का है और क्रमांक नंबर एक का इक्के एक पर है करना चाहते हो लोगों से कुछ देख रहे हैं पूरा अपील यही करना चाहूँगा कि चुनावी माहौल है पार्टी आएंगी जाएंगी चुनाव होंगे रिजल्ट भी आएंगे आपस में भाईचारा न बिगाड़ें मतदान के हिसाब से करें और मतदान अवश्य करें साल में पिछले पाँच साल में क्या संतुष्ट हो जो काम हुआ जी पिछले साल पाँच साल के अंदर काम हुआ है अब काफ़ी अच्छा काम हुआ है हमारे गाँव के अंदर क्योंकि जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वो भी चल रहे हैं वो भी सारी जनता देख रही है तो मेरा विचार यही है उन सारे कामों को देखते हुए सारे लोगों का अपील ये है कि मतदान करें सारे काम को देखते हुए आगे पीछे के हिसाब लगाकर फिर मतदान करें मेरा नाम गणपा सोनी सर कैसे काम हुए नहीं अच्छा काम हुआ पाँच साल में भी जो काम बहुत बहुत अच्छा काम हुआ इस पाँच साल में निजी लाभ किसी को नहीं हुआ लेकिन सार्वजनिक लाभ जो सार्वजनिक जगह है वो बहुत अच्छी बनी भक्त आते हैं। हाँ 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 अभी भी हाँ हाँ नहीं कोई परेशान परेशानी होगी लेकिन सुविधा भी हो जाएगी पर रोड अच्छी बन जाएगी माता रोड अच्छी बन जाएगी काम भी बहुत अच्छा हुआ कैसा सरपंच बहुत अच्छा सरपंच है चाहिए। अब चाहिए। नहीं ऐसे ही चाहिए <laughs> ऐसे ही झुंझारू सरपंच चाहिए तो जिता रहे हैं। हाँ उन्हीं को उन्हीं को जिताएंगे आपका नाम बता सर अशोक तो सोनी क्या काम बाकी है पाँच साल में क्या होने चाहिए थे बाकी रह गया भैया लगभग लगभग हमारे गांव में सब काम हो गए हाँ जी संतुष्ट हम संतुष्ट है बिल्कुल संतुष्ट है उन्हीं को जिताएंगे जो भी वर्तमान में है जी बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे साल भी अच्छा काम करेंगे विश्वास है बिल्कुल विश्वास है बहुत अच्छा काम हुआ है और हम यही चाहते हैं कि वापस नरेश भाई प्रजापति अपने हमारे गांव के सरपंच बने जी, जी। जी। दूसरों को मौका नहीं देना चाहते मौका मतलब देना चाहते हैं पर जैसा हमें नेता चाहिए ना गाँव में वैसे वो है उनमें सारी वो क्वालिटी है सारे काम कराए नहीं 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 व्यवहारिक भी है और सरपंच पद की प्रत्याशी दीपिका राठौड़ और उनके पति से हमने आपकी बात कराई उनके वादे बताइए आपको कि अगर वो आते हैं तो वो क्या जो वादे हैं वो पूरे करेंगे और कितना जल्दी पूरा करेंगे कुछ लोग हमारे साथ हैं हम उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे सर मेरा शुभ नाम योजना बड़ाला है मैं बेदला निवासी हूँ मेरा कहना है कि यहाँ पर कचरे की बहुत समस्या है कचरा डालने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है कहाँ डालने जाएँ हम कचरा गाड़ों में कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ घूमती नहीं है कुछ नहीं है हमारी रिक्वेस्ट ही है और हम इन इसी के साथ में है जुड़े हुए हैं कि हमारे लिए मोहल्ले में गाड़ियों के कचरे की व्यवस्था करें सूखा कचरा गीला कचरा और यहाँ पर एक बंदा जो बना हुआ है सालों से बहुत लोग रेलिंग टूट चुकी है अभी वहाँ आग... लोगों को आने जाने में आप बोलिए पीछे सब बता रहे हमारे बंदे की रेलिंग टूट गई है जैसे लोगों को आने जाने में पानी आ जाता है तब तो एक तो उस पे गई आ जाती है ना तो कोई साफ साफ करवाता हुआ वा, न सफाई होती है वहाँ पे लोग बहुत लोग रोज गिरते हैं नीचे के साइड भी गिरते हैं किसी के जान जाने का खतरा भी है इसलिए तो हम चाहते हैं हमारा बेदला उस उसपे कुछ पहले आपने किसी सरपंच से शिकायत नहीं करी कोई सरपंच आके पूछे नहीं हमने और सरपंच साहब को भी तो दिख रहा है एक साल से जब से पानी नदी है या तब से रेलिंग टूट के उधर गिरी हुई है अब कोई करता नहीं है तो हम किसको हैं। चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा सरपंच बहुत अच्छा हो जो हमारे बेदला को आदर्स 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 बेदला को आदर्श बना सके और का क्या समस्या, है समस्या तो यहाँ की वगैरह है ये नालियाँ वगैरह टूटी हुई है, पारी है पारी और पारी सड़कों है। पे इतना पानी आता है कि मतलब चलने में भी दिक्कत आती है और लेडीज कभी बाहर भी निकलती है तो कपड़े भी ऊपर एक हमारे जो चौक में टाइल्स लग हुई है उसे बारिश का समय बहुत लोग गिरते हैं तो हम चाहते हैं कि वो टाइल्स हटवाई जाए बिल्कुल नहीं चल पाते हम रोड लाइटों का भी है ही नहीं कि अंधेरे में कोई क्या कहाँ बैठा रहता है ये पता नहीं चलता है और यहाँ पे नालियाँ भी खूब भरी हुई रहती है सफाईकर्मी कोई आते नहीं है और कचरा गाड़ी भी नहीं आती है और कभी पहले आती भी थी तो उसके लिए क्या है पचास रुपये पर मंथ पैसे मांगते थे कि भाई पैसे दोगे तो गाड़ी आएगी यहाँ पे एक दो आई फिर बंद हो हाँ एक हमारी समस्या सर है कि तो हमारा आवारा पशु बहुत है यहाँ ठीक है ना और आए दिन इतनी गायें हैं घूमती रहती है यहाँ एक गौशाला खोल दीजिए ताकि सारी गायें वहाँ चली जाए ठीक है ना और कहीं कोई उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं कोई व्रत है उनको कोई ठीक है सांड आपस में लड़ते हैं तो फिर से इसका कोई निवारण होना चाहिए और हमारा गाँव की आदर्श गाँव बने और अच्छा बने ये हमारे हमारे एक तो पानी की समस्या बहुत है गर्मी के दिनों में पानी आता हम अगली गली से जाके पानी लेके के आते हैं हमारे एक तो नल टाइम पे आए हमारे को ये चाहिए जिससे हमारा सरपंच अच्छा हो तो वो हमारे लिए सुविधा करवा सके इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में दीपिका कुंवर राठौड़ा है जो हमारे गाँव का आदर्श गाँव बना सके सुना आपने हर एक वोटर की अपनी अपनी मांग है लेकिन ग्राम पंचायत जिस तरह से काम कर सकती है वो काम आज तक पूरा हुआ नहीं है जैसा इन मतदाताओं का कहना है तो हम अपील करेंगे जो भी सरपंच बने वो इनकी मांगों को पूरा करें ताकि ये खुशी खुशी बोल सके कि हमारा सरपंच अच्छा है या हमारा जो गांव है वो आदर्श गांव है बेदला ग्राम पंचायत करीब 5000 हज़ार मतदाता यहाँ पर हैं मैदान में छः उम्मीदवार हैं महिला सरपंच की सीट है और सभी उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ उतरे हुए हैं सभी को यही लगता है कि वो जीतेंगे और जीत के बाद जो दावे उन्होंने किए हैं वह पूरे करेंगे हमने सरपंच के प्रत्याशी से आपसे बात करी उनके समर्थकों से आपसे बात करी पूर्व सरपंच ने जो विकास कार्य करे उनके बारे में बात करी और जनता की जो समस्या थी उनके बारे में भी आपको बताया फैसला आपको करना है सत्रह जनवरी मतदान करना ना भूलें क्योंकि ये आपका मताधिकारी बताएगा कि बेदला की राजगद्दी पर कौन बैठता है और कौन खेवनहार अगली बार बेदला का होता है कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ मनुराव उदयपुर न्यूज चालो गांव बनावा आपन पंचा की सरकार बाड़ खेत ने खागी एडी काटा खरपतवार चौका चूल्हा छोड़ घर से निकले अबला नार पंच बने सरपंच बने और बने प्रधान दमदार जानेंगे पंच सरपंच प्रधान आपसे मिले या नहीं मिले चौपाल पर होगी बात या पेड़ की छाव के नीचे दूर होंगे शिकवे गिले तो देखना न भूले नीले गगन के तले उदयपुर न्यूज की खास पेशकश आओ